नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? पशुपालन की आप लोग तैयारी कर रहे हैं और इसको आप लगातार करिए, नंबर जरूर आएगा, क्योंकि बहुत सारे फॉर्म इसमें भरे गए हैं। लगभग 17 लाख से ऊपर के फॉर्म इसमें लगे हैं राजस्थान पशु परिसर में। तो इसमें देखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो पढ़ेगा वो आगे निकलेगा। सीधी सी बात, सीधी सी थोड़ी यही है। देखिए, जो पढ़ोगे आप, बार बार पढ़ोगे तो चीज़ें याद भी रहेंगी, और पढ़ने का तरीका है वो शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा मैटर कैसे पढ़ना, वो तरीके आपको खुद को ईजाद करने होंगे, ठीक है। और हम हमारी क्लास को आपके सहयोग के लिए बराबर तैयार कर रहे हैं ताकि आप लोगों को इसका कुछ फायदा मिल सके। रही बात ये कि हम सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इन प्रश्नों से आप जो पढ़ रहे हैं, उन पढ़ते हुए उन तथ्यों को, उन जानकारियों को आप प्रश्न के रूप में कैसे परिवर्तित कर लें, वो आपको यहाँ जानना है। आप इनको रटने की जरूरत नहीं है कि आप ये जो देखते हैं, ये प्रश्न जो देखते हैं, इनको आप रटिएगा। नहीं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। आपको इतना सा काम करना, ये सीखना है कि आप जो भी तथ्य पढ़ रहे हैं अपनी बुक में, उनको आप प्रश्न कैसे बना ले, बस ये काम करना सीख गए तो अपने आप चीजें याद भी रहेंगी और वो प्रश्न भी आपके बनते चले जाएंगे, और आपके सामने कैसे प्रश्न आते हैं उनका आप सामना भी करना सीख लोगे। लेकिन ये जरूर है कि प्रश्न से संबंधित, जो सिलेबस से संबंधित जानकारी है, वो आपको अवश्य होनी चाहिए। चलिए, आज का प्रश्न है, प्रारंभ कर लेते हैं। वही अपना टॉपिक है, पशु स्वास्थ्य को लेकर के चर्चा कर रहे थे अभी पिछले एक दो वीडियो से, तो उसी उसी का क्वेश्चन आज हम आगे बढ़ा रहे हैं, तो बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न है, देखिए, पशु जब स्वस्थ दशा से विचलित होता है तो उसे क्या कहते थे? पशु क्या मनुष्य में भी ये लागू होता है? देखा कि स्वास्थ्य दशा से विचलित होने को कहते हैं, क्योंकि पशु परिचर का पढ़ रहे हैं, ये सब में होता है, मानव में भी होता है, जीव में होता ही है। ये यानी कि अपनी सामान्य दशा से, तो शरीर की जो सामान्य दशा है उससे थोड़ा सा विचलित हो जाता है तो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं, ये पूछा गया। सीधा सा है, आपको इसमें ज्यादा कोई थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, आपके बुखार हो गया तो रोग तो हो ही गया ना, सामान्य दशा थी आपके शरीर की, वो बदल गई, विचलित हो गई, तो क्या हो गया, रोग हो गया, बस वही बात है। यहाँ आपको ज्यादा इसमें प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। क्या लिखा कि स्वस्थ दशा से विचलित होने को कहते हैं, बस इतनी सी बात है। तो उसे भैया आपको सीधा पता क्या कहते हैं, उसे को कहते हैं रोग। यानी कि स्वस्थ व्यक्ति बैठा है, थोड़ी देर में उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होते हैं किसी भी वजह से, तो वो क्या हो गया, एक बुखार हो गया और कुछ हो गया, तो वो क्या हो गया, एक रोग हो गया। तो क्या हो गया, उसका जवाब क्या हो गया, रोग, ठीक है। अगला प्रश्न है, सिंपल सा प्रश्न है, सबके साथ होता है ये, कि पशु की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए नाड़ी की धड़कने गिनने के लिए समय निर्धारित है। यानी कि कितने समय में उस नाड़ी की धड़कने गिनी जाती हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो इसका 1 मिनट में, 1 मिनट का समय होता है, या 2 मिनट का, 3 मिनट का, 4 मिनट का। तो इसका जो है कि पशु की नाड़ी गति ज्ञात करने के लिए, नाड़ी की धड़कने गिनने के लिए समय 1 मिनट का निर्धारित है, कि 1 मिनट में कितनी नाड़ी की धड़कने चल रही है। अमूमन देखते हैं, अपन डॉक्टर के पास जाते हैं, वो भी देखता है, ठीक है। तो वही परिस्थिति है 1 मिनट में, ठीक है। अगला जो प्रश्न है, यहाँ पूछा गया है, देखो ये इस प्रकार का प्रश्न पहले भी आया था, उसमें बताया भी था आप लोगों को कि पूछ लिया जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को दोबारा आपके सामने लेके आया हूं, कि गाय का शरीर शारीरिक तापक्रम होता है, यानी कि गाय जो है उसका शारीरिक तापक्रम कितना होता है। यहाँ आपको फारेनहाइट में दे रखा है, आपकी बुक में टेबल है, उस टेबल में डिग्री सेंटीग्रेड,
और फारेनहाइट दोनों दे रखे हैं, तो दोनों को आपको देखना है। ठीक है, गाय का शारीरिक तापक्रम होता है कितना होता है? तो देखिए आपको सीधा बता देता हूँ, 101.5 डिग्री फारेनहाइट होता है। कितना होता है? 101.5 डिग्री फारेनहाइट ये होता है। तो आपको यहाँ ये याद रखना है गाय से संबंधित शारीरिक तापक्रम को। अगला जो प्रश्न है, यहाँ आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी। अब सोचोगे तब जब इस तथ्य को आपने ठीक ढंग से पढ़ा है, तब वो सारी चीजें आपके सामने आएंगी। अगर नहीं पढ़ा तो नहीं आएंगी, सीधी सी बात है, बिल्कुल नहीं आएंगी। आप कितना भी जोर लगा लीजिए, आप जब तक तथ्यों को नहीं पढ़ेंगे तब तक उस प्रश्न पे या अपना टाइम ही खराब करोगे। ये उसी प्रकार का प्रश्न है, इसको थोड़ा तरीके से देखना सुनना। लिखा है कि निम्न में से जीवाणु जनित रोग नहीं है। ये पूछा गया है कि वह रोग जो जीवाणु जनित नहीं है, तो इसमें तीन रोग ऐसे होंगे जो जीवाणु जनित होंगे और एक रोग ऐसा होगा जो जीवाणु के द्वारा पशुओं में नहीं होता है। ये है, तो आपको प्रश्न समझ में आ गया। तो देखिए, गलघोटू, विष ज्वार और लंगड़ा बुखार, ये सारे के सारे तो किससे संबंधित हैं? जीवाणु से संबंधित रोग हैं। और यहाँ पूछा गया है कि जीवाणु जनित रोग नहीं है, वो है, इसमें सही होगा, 2.5 दिन का बुखार। कौन सा? 2.5 दिन का बुखार। ये जीवाणु जनित रोग नहीं है, ये वायरस जनित रोग है। कौन सा है? 2.5 दिन का जो बुखार है ये वायरस जनित रोग है। ये आपको इस प्रकार के जब तथ्य की बात आएगी तब वो चीजें आपको टेबल में पढ़नी ही पड़ेंगी। और जब पढ़ोगे तभी आप दिमाग लगा पाओगे कौन कौन से बुखार या कौन कौन सा रोग तो जीवाणु जनित था, कौन सा वायरस जनित था, कौन सा प्रोटोजोआ जनित था। तो ये सारी चीजें आपको इसमें से देखनी है, ज्यादा बड़ा कोई मैटर भी नहीं है। आप एक टेबल बना लीजिए कि कौन कौन से रोग है पशुओं में किससे संबंधित हैं, वो जरूर आप याद रखिएगा। उन पर आपको 2 बार 3 बार पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, उनमें से प्रश्न आएगा। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूछा गया है कि घावों के उपचार में काम में लिया जाता है, तो जब पशु के घाव हो जाता है तो उसके लिए क्या काम में लिया जाता है, किस प्रकार की दवा काम में ली जाती है। ये पूछा गया है कि पशु के जब घाव हो जाता है तो घाव को ठीक करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, ये पूछा गया है। तो क्या एंटीसेप्टिक काम में ली जाती है, या एंटीपायरेटिक काम में ली जाती है, या एंथेलमेंटिक्स काम में ली जाती है, या इनमें से इसका जवाब कोई नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहाँ अगर आप बात करोगे घावों के उपचार में काम में लिया जाता है तो क्या लिया जाता है? एंटीसेप्टिक काम में लिया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये पूछा गया है 35 रोग का कारक है, यानी कि 35 रोग किसके माध्यम से होता है, तो ये चीज यहाँ पूछी गई है। तो ये आपको बताना है कि 35 रोग जो है किसके माध्यम से होता है। ये तो आपको पता ही था कि ये जो 35 रोग है ये प्रोटोजोरिक या प्रोटोजोवा से संबंधित है ये रोग। अब इसमें पूछा है कि वो कारक कौन सा है, तो कारक आपको बताना है क्या बेसिलम है, या किलनी है, या काक्सीडियम जर्नाई है, या सार्कोप्टिप्स स्केबियाई है। तो यहाँ जो 35 रोग का जो कारक है मुख्य रूप से ये है काक्सीडियम जर्नाई। काक्सीडियम जर्नाई जो है प्रोटोजोवा है, ये 35 रोग का कारक है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से विषाणु जनित रोग है, निम्न में से विषाणु जनित रोग है, बैक्टीरिया के माध्यम से नहीं पूछा गया, वायरस के माध्यम से पूछा गया कि कौन सा रोग है।
तो खुरपका रोग है क्या, मुंह पका है या चेचक है? देखिए ये जो सारे के सारे रोग हैं, इसलिए एक साथ इनको लिखा है ताकि आप लोगों को पता भी रहे कि ये विषाणु जनित रोग है। ये सारे के सारे विषाणु जनित रोग हैं, खुरपका, मुंह पका, चेचक, ठीक है? तो इसका क्या जवाब होगा? सभी। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि निम्न में से विषाणु जनित रोग ही खुरपका भी होता है, मुंह पका भी होता है, चेचक भी होता है, और इसके साथ साथ में जो है, जो 2.5 दिन का बुखार है वो भी होता है, तो वो भी वायरस जनित रोग ही है। चलिए नेक्स्ट है कि पागलपन रोग है, तो ये पागलपन जो रोग है किस प्रकार का रोग है ये पूछा गया है। यह के विषाणु जनित रोग है या जीवाणु जनित रोग है या परजीवी रोग है या सभी? तो पागलपन जो रोग है वो मुख्य रूप से विषाणु जनित रोग है। किस प्रकार का है? विषाणु जनित रोग है पागलपन। चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।